फाइनल में श्रीलंकाई टीम के साथ बड़ी ट्रैजिक, कमाल कर गए मियां मैजिक। सिराज ने लंका में बजाया अपना डंका, बल्लेबाजों को दिन में दिखाए तारे और खोला पंजा। हिटमैन के सिर सजेगा एशिया का ताज, रोहित के लड़ाकों का होगा अब्राज। एशिया कप 2023 टूर्नामेंट के फाइनल में अगर किसी खिलाड़ी का जलवा चला तो वो है टीम इंडिया के मियां मैजिक के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज। ऐसे ही उन्हें मियां मैजिक कहकर नहीं बुलाया जाता है, उन्होंने बता दिया कि मैजिक उनकी गेंदों में है। जिस तरह से लंकाई गेंदबाजों के खिलाफ सिराज ने कहर बरपाया वो देखते ही बना। सिराज ने ये बता दिया कि क्यों टीम इंडिया उन पर इतना भरोसा करती है कि एक्सपीरियंस मोहम्मद शमी के ऊपर उनको तरजीह दी गई। सिराज ने ये साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में कितने खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं, जो विरोधियों को अपनी लहराती गेंदों के आगे घुटने टेकने पर बेबस कर दे। कुछ ऐसा ही हाल एशिया कप के फाइनल में सिराज ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों के साथ किया। उनकी गेंदों के आगे लंकाई बल्लेबाज पूरी तरह बेबस दिखे और एक के बाद एक अपना विकेट सिराज के नाम कर बैठे। आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में सिराज का मैजिक ऐसा चला कि लंकाई टीम महज 50 रनों पर ही ढेर हो गए, वो भी अपने गढ़ कोलंबो के प्रेमदासा मैदान पर। लंकाई टीम को उनके ही घर में सिराज की जादुई बॉल ने बेघर कर डाला। मोहम्मद सिराज ने घातक बॉलिंग करते हुए 7 ओवर में महज 21 रन देकर 6 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार किया। इसके अलावा टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट अपने नाम किए और 1 विकेट बुमराह के खाते में गया। आपको बता दें कि सिराज ने इस मैच में अपने दूसरे ओवर में 4 विकेट हासिल करने के साथ वनडे क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे किए। इसी के साथ अब सिराज वनडे इतिहास में गेंदों के मामले में सबसे तेजी के साथ इस आंकड़े पर पहुंचने वाले भारत के पहले और वर्ल्ड क्रिकेट के दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद सिराज ने वनडे फॉर्मेट में अपने 50 विकेट पूरे करने के लिए 1002 गेंदों का सफर तय किया। वहीं इस मामले में नंबर 1 के पायदान पर काबिज पूर्व श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज अजंता मेंडिस ने 847 गेंदों में अपने 50 वनडे विकेट पूरे किए थे। सिराज ने अपना 50वां वनडे विकेट चरित श्रीलंका के रूप में हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने गेंद से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसी के साथ वो अब पहले ऐसे इंडियन बॉलर बन गए जिन्होंने एक ओवर में अपने 4 विकेट लेने का कारनामा किया। सिराज ने इस मुकाबले में 7 ओवरों में सिर्फ 21 रन देते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। श्रीलंका इस मुकाबले में सिर्फ 50 रनों पर सिमट गई। वनडे में साल 2002 के बाद से पहली बार शुरुआती 10 ओवर में मोहम्मद सिराज पहले ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज बने जिन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया। इससे पहले साल 2003 में जवागल श्रीनाथ ने श्रीलंका के खिलाफ और साल 2013 में भुवनेश्वर कुमार ने भी श्रीलंका के खिलाफ, वहीं साल 2022 में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पहले 10 ओवरों में 4 विकेट हासिल किए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एशिया कप का फाइनल टीम इंडिया के मियां मैजिक ने यादगार बना डाला और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।